शराफत से और सच सच बताओ, लड़की तुम लोगों ने अगवा की? सर मैंने इसको समझाया था पर इसने मेरी बात नहीं मानी। ओए जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे बस, लड़की को कहाँ छुपाया? सर मैं बताता हूँ सर, मैं इनके घर पे रिश्ता लेके गया था। पसंद करता हूँ आपकी बेटी को, शादी करना चाहता हूँ उससे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने कितनी बार उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरे मुंह पर रास्ते में थप्पड़ मार दिया। बस गुस्से में मैं उसको उठा कर ले गया। वहाँ जाकर भी मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। सर ये नहीं था, खाना लेने गया था। क्या किया तूने? मार दिया इसको? अगर मारता नहीं तो सोच क्या मैं जानती हम बचते तो तुझे अब क्या लगता है हम दोनों बच जाएंगे? कभी तो बकवास बंद रखा कर इसकी लाश को ठिकाना लगाने का। मैं उसको मारना नहीं चाहता था लेकिन उससे में जब वो सब हो गया तो मैंने उसकी लाश को वहीं पे ठिकाने लगा दिया। सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर, गलती हो गई। तुम्हें एक मासूम और शरीफ लड़की की जान लेते हुए जरा भर भी शर्म नहीं आई? सर हमें माफ कर दे सर, अपनी गलती हो गई सर। माफ कर दूं? अबे बेघर तो तुम्हारी वजह से एक शरीफ आदमी का घर बर्बाद हो गया। सर पर कत्ल तो इसने किया, मैंने नहीं किया सर। बस बंद कर, तू भी बराबर का शरीक है इसके जुर्म में। और आप सागर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और आप मेरी बेटी का कातिल, मेरी बेटी का कातिल, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हौसला रखे, कानून इन्हें बराबर सजा देगा, वो भी सख्त से सख्त। नवाज। जी सर। लाश को बरामद करो और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। इकबाल साहब आप मेरे साथ आइए।